hello students, how are you? hope all of you are fine at your home. yes, dear kids, i am mrs. manpithkar, your history teacher from your own california public school, kokrana. and today's date is 27 november 2020. and we are doing the 7th class 9th chapter, akbar case study. so in the previous chapter, we have to discuss about the akbar's rise to power second battle of panipat, akbar's conquest, uh, his conquest in the central india, northwest, and the deccan side. so, in today's video, we have to discuss about the conflicts with the rajput of akbar and akbar's policies. so, firstly, we have to start the conflicts with rajputs. earlier period of his rule, his starting May,

कि आप मेरे साथ आओ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया और ताकि जो राजपूत की पावर है वो मुगल अंपायर को सपोर्ट कर सके बट बाई 1561, मोस्ट ऑफ द राजपूत सेठ एक्सेप्ट मुगल सुजेनिटी कहते मुगल्स का जो सुझाव था दोस्ती वाला हाथ काफी राजपूत ने एक्सेप्ट कर लिया था हा लेकिन रान ऑफ मेवाड़ उदय सिंह उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम अकबर के अधीन नहीं रहेंगे इवन रिजेक्टेड हिज प्रपोजल फॉर मैट्रीमोलियन अलाइंसेंस का बट इन 1567 सीई अकबर मार्च टू द कैपिटल कहते 67 ने अकबर जलपड़ा मेवाड़ की तरफ चितौर उदय सिंह फेल्ट टू द हिल्स उदय सिंह हिल्स में छुप गया एंड लीविंग द डिफेंस ऑफ चितौर और चितौर का जो डिफेंस था वो उसे छोड़ गया जयमल को कमांडर ऑफ़ राजपूत फोर्स का जो कमांडर था आफ्टर ऑफ़ फोर मंथ्स चार मंथ्स की उनकी बीच में लड़ाई चली जो जयमल था वो उसकी डेथ हो गई मारा गया और चित्तौड़गढ़ था वो अकबर ने कैप्चर कर लिया इन 1568 में सो so, नेक्स्ट तो मुगल अम्पायर चितौड़ को राजपूत थे वो रिफ्यूज करते रहे कि हम मुगल अम्पायर के अधीन नहीं रहेंगे द रील्ड अंडर राणा प्रताप द सन ऑफ उदय सिंह क्या उदय सिंह के बेटे के अंडर था वो

चितौड़ बिफोर हिस्सै उसकी डेथ से पहले फिफ्टीन नाइनटी सेवन में ही वॉज अनेबल टू रिक्लेम समम बट कुड़ कुछ पार्ट किंगडम के उसने अपने अंडर कर लिए बट चित अपने अंडर नहीं कर सका एट लास्ट में उसकी डेथ होगी सो so नेक्स्ट इज द अकबर पॉलिसी विच टाइप ऑफ अकबर पॉलिसी From the earlier 1570, Akbar expressed a great desire to unite diverse races under his empire. 1570 से वो कोशिश कर रहा था कि different different races and different different cast के लोग उसके अंदर आ जाएं. He adopted a liberal outlook while drafting policy. उसने बड़े अच्छी सी liberal policy adopt की जब policy बना रहा था, अच्छे सोचा था. कि कभी भी किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो इंश्योर द ट्रांशन ऑफ द इस्लामिक मुगल स्टेट इन टू कि जो इस्लामिक स्टेट है ठीक है वो एक सेकुलर स्टेट बन जाए मतलब सभी रिलीजन के लोग वहां पर अच्छे से रह सके फर्स्ट वन इज राजपूत पॉलिसी अकबर अकबरवाज इम्प्रेस्ड बाय द पेट्रोनिज्म एंड क्लेवरी डिस्प्लेड बाय द राजपूत ड्यूरिंग हिज ऑफ द राजपुताना राजपुताना के ऊपर जब उसने जीत हासिल की उसके दौरान उसे उसकी जो पॉलिसीज वगैरह थी राजपूत की वो उसे काफी ज्यादा अच्छी लगी ही रियलाइज एट द स्पोर्ट ऑफ राजपूत इज ने टू बेल्ट एंड सस्टेन द मुगल अम्पायर उसने ये रियलाइज किया था कि जो राजपूत सपोर्ट है वो मुगल अम्पायर को बनाने में और उसे आगे चलाने में काफी हेल्पफुल होगी सो so उसने जो राजपूत से उनकी हमेशा रिस्पेक्ट की लोअलिटी के साथ उनके उन्हें ऑनर किया और इक्वेलिटी रखी उनके साथ अकबर द ऑफ विद ही अम्बेर जब उसने अंबेर की प्रिंसेस से मैरिज की थी तब उसने राजपूत के भी ऑफर किया था मैरिज के लिए कि आप मुझे किसी लड़की उनकी लड़की के साथ मैरिज हो जाए बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था ही आल्सो मैरिड सेवरल अदर राजपूत प्रिंसेस काफी राजपूत प्रिंसेस से उसकी मैरिज हुई

जैसे कि राजा मान सिंह जो मिलिट्री कमांडर था एंड ऑफ द लार्ज प्रोविंस का था एंड द फेमस नवरत्न नाइन जेम्स ऑफ अकबर कोटेड बीरबल एंड टोडरमर टोडरमल द राजपूत ये भी तीनों क्या थे राजपूत बीरबल और टोडरमल ये भी राजपूत लीडर्स थे इनकी पोजीशन भी काफी ज्यादा हाई थी नेक्स्ट अकबर अलाउड द राजपूत रूलर्स टू रिटेन देयर किंगडम

जो राजपूत से उन्हें पूरी आजादी थी कि वो अपने कोई भी रिलीजन, जो भी जो उनका फॉलो कर सकते हैं, अपने बना सकते हैं और अपने फेस्टिवल्स को पिलग्रीमिट टैक्स होता था उसे भी उसने अबॉलिश कर दिया अकबर राजपूत पॉलिसी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर डेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंसोलिडेशन एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ दर कहते जो अकबर की राजपूत पॉलिसी थी वो काफी इम्पोर्टेंट थी जो कि उसके मुगल एम्पायर को एक्सपेंशन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हुई नेक्स्ट पॉलिसी रिलाईज एन एम्पायर सो लार्ज ही हैड टू द पीपल ऑफ हिज एम्पायर कहते उसने सोचा कि काफी लंबी दृष्टि थी, थी उसकी देखने की और उसने ये सोचा कि मेरा अंपायर कितना बड़ा है सो so, उसको रूल करने के लिए मुझे सभी को एक तरह का यूनाइट करके रखना होगा ही हैड टू बी टॉलरेंट टू वर्ड्स द हिंदू सब्जेक्ट्स हिंदू लोगों के प्रति भी उसकी भावनाएं अच्छी थी सो ही प्रोप्रगेट द पॉलिसी ऑफ पीसफुल को एक्सिस्टेंस पीसफुल को मतलब शांति से एक दूसरे के साथ मिलकर हमें रहना चाहिए दस द फर्स्ट थिंग ही डिड उसने पहली क्या देखी ऑन बिकमिंग द एम्प्री वॉज द जजिया इन जैसे वो बना उसने जजिया टैक्स रिमूव कर दिया जजिया टैक्स होता था कि जो नॉन मुस्लिम लोग थे उन्होंने ही टैक्स पे करना था जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने टैक्स नहीं पे करना था ऑन देयर क्रॉप दैट इज द जजिया टैक्स ही ऑल्सो फॉरबिड फोर्सफुल कन्वर्शन ऑफ द प्रिजन ऑफ वार टू इस्लाम कहते जो फोर्सफुल प्रोविज थी प्रिजनर्स थी लोग जेलियों के लिए वो ही टू इस्लाम वो भी उसने खत्म कर दी अकबर इज ऑफन सीन अ सेकुलर मंड्रैक इन हिज कोर्ट वे आर एबडोन्ड विद स्कॉलर ऑफ डिफरेंट रिलीजन कहते अपने कोर्ट में एक सेकुलर देखना चाहता था कि सभी एक सभी सभी कास्ट के लोग एक समान इकट्ठे होकर बैठे जो कि हम उस हमें उसके कोर्ट में देखने को मिलता था फॉर दिस ही रिलीजन के वहां पर आकर वर्शिप लोगो अपने भगवान की पूजा करते थे अकबर बिलीव इन द प्रिपल ऑफ सुलह उकुल मीन्स यूनिवर्सल सभी में भाईचारा होना चाहिए

फ्रॉम लिट हिज ओन रिलीजियस ऑर्डर कार्ड दीने इलाही और डिवाइन फेथ कहते सभी रिलीजन्स को अंडरस्टैंड कर, कर -e विश्वास करना इच वॉज अलेमिनेशन ऑफ रिलीजियस आइडिया ऑल मेजर रिलीजन सभी रिलीजन के मेन मेन सभी आइडिया उसमें इंक्लूड थे जो मेन फीचर्स थे इस ऑर्डर की वर बिलीफ इन वन गॉड भगवान एक है उसमें विश्वास करो रिकॉग्निशन ऑफ एंपायर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड ऑन अर्थ कि जो भी आपका बादशाह उसको भगवान की एक भगवान की तरफ से छोड़ा हुआ फरिश्ता ही समझो दीने लाही वाज नॉट अ रिलीजन इन स्ट्रिक्शंस कहते वो एक रिलीजन नहीं था इट हैड नो रिचुअल्स टू बी परफॉर्मड नो नो सेक्रेट बुक्स नो नो no नो no कुछ भी नहीं था इसका इट इज जस्ट कोड ऑफ मॉरल कंडक्ट मॉरल कंडक्ट का एक कोड था जो एम था अचीव क्या करना था शांति टॉलरेंस और हारमोनी लोगों के बीच में वेरी फ्यू पीपल एक्सेप्टेड इट अकबर डिड नॉट एम्पोज इट टू एनी वन काफी कम लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया बट जो अकबर था वो किसी के खिलाफ नहीं गया कि वाई यू आर नॉट अडोप्टिंग इट राजा बीरबल अक्सेप्टेड इट बट राजा मानसिंह डिस राजा बीरबल ने अडप्ट कर लिया बट राजा मानसिंह ने इसे रिजेक्ट कर दिया दीने इलाई केम टू एन एंड आफ्टर द अकबर डेथ इन सिक्सटीन हंड्रेड फाइव कहते अकबर की डेथ के बाद ये भी खत्म हो गया दीन एलाट द अकबर स्टार्टेड अर्लियर इन फिफ्टीन एटी टू सो होप ऑल ऑफ यू हैॉच दीडियो Up to the religious policy of the Akbar, two policies: Rajput policy and the religious policy. So, do the assignment later to this video. So, take care. Bye bye.